हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ जालंधर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड, जिसको हम बोलते हैं शरले, जो कि केवल 3 महीनों के लिए ही वहाँ मिलता है, जब विंटर्स में हरी मेथी और जो छोटा वाला आलू आता है उसी से ये तैयार किया जाता है। तो चलिए, ये कैसे बनाया जाता है बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना जालंधर स्पेशल, यानी कि जालंधर का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड है। ये केवल वहाँ 3 महीने मिलता है, जब नया आलू और मेथी आती है। इसमें आलू जो हम यूज़ करते हैं वो जो सबसे छोटे साइज़ के आलू होते हैं उन्हीं से हम इसको तैयार करते हैं। तो उसको लिए लेंगे हम आलू। आलू को मैंने अच्छे से धोकर उबाल लिया है, और आलू को छीलना नहीं है, धो के ही उसका जितना छिलका उतर जाए उतना सही है, लेकिन इसको छीलना नहीं है। और 1 कप बेसन, कुछ मसाले लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया कुटा हुआ, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक और 2 हरी मिर्च कटी हुई, और 2 चम्मच चावल का आटा, हरा धनिया, और इसके अंदर डालेंगे हम मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से साफ करके बारीक से कट कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और आलू को उसके अंदर डाल देंगे। जो आलू बड़ा है उसको 2 पीसेस में कट कर देंगे, लेकिन आलू को मैश नहीं करना है। इसी तरह से हम आलू को इसके अंदर यूज करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास बिल्कुल छोटा आलू है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। केवल छोटे साइज के आलू ही इसमें यूज होते हैं, तो सभी को हम जो बड़े साइज है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, सभी आलू को हमने कट कर लिया है, लेकिन आलू को कट करने से पहले जब आप इसको बॉईल करेंगे तो अच्छे से इसकी मिट्टी निकालनी है, नहीं तो जरा भी मिट्टी रही तो आपका जो शरले बनाएंगे वो बिल्कुल खराब बन जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी की जो किसकिसाहट आएगी वो पूरा टेस्ट खराब कर देगी। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम मेथी, मसाले, धनिया, और थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के हम पहले बिना पानी के इसको मैश करेंगे, लेकिन मैश हमें इस तरह से करना है कि आलू टूटे ना। बेसन भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन करके डालेंगे, और चावल का आटा तो हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा इसको पतला रखना है, एकदम सेमी डो बनाना है इसका। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, फिर से मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे, एक चम्मच के करीब बेसन और डाल देंगे, और मसाले आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, 1 चम्मच के करीब पानी और डालेंगे, तो देखिए शरले के लिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो गैस को कर देंगे ऑन। वैसे ज़्यादातर ये डीप फ्राई करके ही बनता है, जालंधर में इसको डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसको सैलो फ्राई ही करूँगी। तो ज़्यादातर जो इसकी शेप होती है गोल होती है, लेकिन मैं इसके अंदर बनाऊँगी। 5 से 6 मिनट लगते हैं एक शरले को पकने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और अब जो हमने शरले का मिक्सचर तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं हाथों में लूंगी और रोटी की तरह इसको फैला के तब इसके अंदर डालूंगी।
एक साइड से अभी सिकने देंगे इसको। अब इसको थोड़ा सा आराम से पलट देंगे, अभी सिकने देंगे एक मिनट और, फिर हम इसको पलट देंगे। हालांकि वहां पर ये सांचों के अंदर बनता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। अब इसको पलट देंगे। अगर आपसे इस तरह से नहीं निकले तो एक प्लेट लेंगे। प्लेट में इस तरह से निकाल देंगे और फिर हम वापस से इसको पलट देंगे। फिर से गैस पे रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और 2 से 3 मिनट इसको फिर से पकने देंगे। तो देखिए शर्ले हमारा अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब इसको निकाल लूंगी और जो बचा है मिक्सचर इसका, और भी इसी तरह से मैं बना लूंगी। इसको अभी सिकने देंगे। जो हमने एक शर्ले तैयार किया है, अब उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सा शर्ले। तो इसकी प्लेटिंग भी कुछ अलग तरह से की जाती है। हालांकि इसको ब्रेड के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी। चाहे तो आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले एक शर्ले का पीस कट करेंगे। इस तरह से एक पीस और कट करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दही डालेंगे। मूली और गाजर का लच्छा, थोड़ी सी चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी और रेड चिली पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी सा हमारा शर्ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।